हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल एक भुजी बनाने वाले। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और बिल्कुल आप भी इसको इजीली बना सकते हो। तो आज हम बिल्कुल 8 से 10 अंडों की अंडा भुजी बनाने वाले। तो आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में अंडा भुजी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए, यही वो अंडा भुजी है जो आज हमने बनाया। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिए चॉप कटे प्याज, चॉप कटी हरी मिर्च, चॉप कटे टोमेटो और चॉप कटा फ्रेश धनिया। तो उसी के साथ हमने लिया 8 अंडे। तो सबसे पहले हम अंडों को एक बॉल में फोड़ देंगे। देखिए, तो आपको भी बिल्कुल इसी प्रकार का एक बॉल लेना है, उसके अंदर हम अंडों को फोड़ लेंगे। देखिए, तो बिल्कुल हम आज 8 अंडों की अंडा भुंजी बनाने वाले। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए, अंडे फोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छी तरीके से बैटर बना लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसका बैटर बना लेना है। इसके बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे और हमारे गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखेंगे और पैन के अंदर हम ऐड कर लेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट हो जाए, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से तिड़कने देंगे। जीरा तिड़कने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटी प्याज और चॉप कटी हरी मिर्च और इनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ब्राउन होने तक पकने देंगे। बिल्कुल यहाँ पे हमारी हरी मिर्च और प्याज बिल्कुल अच्छे से पकना चाहिए। तो आज हम डायरेक्ट आपको होटल स्टाइल बना के दिखाने वाले। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक पहले डालने से हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से जल्दी पक जाते हैं, जिससे कि हमारे गैस में काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। इसके बाद हम इसको और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटे टोमेटो। तो इसमें हमने 2 टोमेटो को चॉप करके डाल दिए और अच्छी तरीके से इनको गलने तक पकने देंगे। इससे अब बिल्कुल 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको टोमेटो को गलने तक पका देना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा धनिया और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी दिग्गी मिर्च पाउडर इसमें टच कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, इससे कि हमारी जो अंडा भुंजी में काफ़ी अच्छा कलर आएगा। तो देखिए, ये हमारे टमाटो, प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अंडों का घोल। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके इसमें ऐड कर लेना है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अंडा भुंजी बनाने वाले हो तो बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेना है। और देखिए, हम इसको पैन के एक साइड में ऐसे करने का निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर और थोड़ा बैटर को ऐड कर लेंगे एक साइड में। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से, और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से पैन के चारों तरफ घुमा लेना है। इसके बाद हम इसको और एक साइड में कर लेंगे। इसके बाद जो थोड़ा सा बैटर और बचा है, इसको भी ऐड कर लेंगे इसमें एक साइड में। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से, और इस बैटर को पैन के चारों तरफ अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। और देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसको मिक्स करते रहना है। इससे आपके अंडा भुंजी नीचे लग सकती है और जल सकती है। ऐसा करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पत्ती। तो बिल्कुल आपको धनिया को अच्छी तरीके से धो के डालना है और इस लेवल में हम गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसको मिक्स करते रहना है। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा भुंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल अंडा भुंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, और ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसके साथ दाल को सर्व कर सकते हो, और आप इसको रोटी नाने चावल के साथ बिल्कुल इजीली खा सकते हो। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में।